एस्पायरेंट सीजन 1 यूट्यूब पर मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज बनी है। अब इसका सीजन 2 अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। सीजन 1 के टोटल 5 एपिसोड का अगर एवरेज निकाले तो 35 से 40 मिलियन निकलता है और इसीलिए अपने कंटेंट की वजह से 9.2 का IMDb रेटिंग डिजर्व करती थी। लेकिन आजकल तो भाई गणपत का रेटिंग 6 पे है, यारिया पार्ट 2 का 8.8 रेटिंग है। बाय द वे IMDb खुद ये रेटिंग्स नहीं देता, यूजर्स खुद ही जाकर वहां पे रेटिंग देते हैं। अब ये यारिया 2 और गणपत को इतनी अच्छी रेटिंग देने वाले IMDb पे यूजर्स, इनके रिव्यूज भी इतने फेक लगते हैं, ऐसा लगता है ChatGPT ने बना के दिया है। लेकिन अभी का रिव्यू हम करेंगे एस्पायरेंट सीजन 2। लेकिन मैंने एस्पायरेंट का सीजन 1 देखा है और वो डिजर्व करती है 9.2। क्या एस्पायरेंट सीजन 2 भी इतनी अच्छी है? टोटल 5 एपिसोड्स, 45 मिनट्स ईच, 3.5 से 4 घंटे, क्या आपको इस वेब सीरीज को देने चाहिए? शुरू करते हैं पॉजिटिव नंबर 1, 60-40 फॉर्मूला। 60% इन्होंने आज के प्रेजेंट टाइम के सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी दिखाई है, जहां अभिलाष एक DM बन चुका है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संदीप भैया है, और एक पॉइंट पे आके ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। और बाकी का 40% आपको देखने मिलेगा ओल्ड राजेंद्र नगर। जो कुछ भी आपको इन सारे कैरेक्टर्स का रिएक्शन देखने मिल रहा है आज के टाइम पे, उन सबका सोर्स ओल्ड राजेंद्र नगर ही था। तो पास्ट और प्रेजेंट दो स्टोरियां चलती है साइमल्टेनियसली, और दोनों को डायरेक्टर ने बहुत अच्छी तरह से संभाला है। और यही जो सीरीज का 60-40 का रेशियो है, यही नेगेटिव में भी आता है, उसकी आगे बात करेंगे। लेकिन पॉजिटिव नंबर 2 डायरेक्टर अपूर्व सिंह करके, मैंने इस बंदे का लिंक्डइन पे ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। एस्पायरेंट सीजन 1 की तो डायरेक्टर है ही, लेकिन बंदे ने TVF से आम आदमी, फैमिली, फ्लेम्स और कॉलेज रोमांस जैसी बेस्ट वेब सीरीज दी है। तो डायरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से पता है कि ऑडियंस को इमोशनली कैसे कनेक्ट करना है। देखा जाए तो पूरी सीरीज अभिलाष के अराउंड घूमती रहती है, स्टोरी, कैरेक्टर, सब कुछ इससे लिंक्ड है। सीरीज में कई ऐसे मोमेंट है जहां अभिलाष के लाइफ में जब पर्सनल और प्रोफेशनल ये दोनों लाइफ जब क्लैश होती है, तब जाके इमोशंस का जो एक्सप्लोजन होता है वो देखकर तो भाई बवाल था, मोमेंट था वो सीरीज में। अब TVF की सीरीज है तो आपको इमोशन तो कूट कूट के मिलेगा, लेकिन इस इमोशन को हम तक पहुंचाने का क्रेडिट जाना चाहिए परफॉर्मेंस। नवीन कस्तूरी एस अभिलाष बंदे ने चीर डाला है, आप इसके अंदर अपने आप को जरूर देखोगे। और यही नहीं, एपिसोड नंबर 4 मॉक इंटरव्यू बेस्ट था। लेकिन अगर बात करें नेगेटिव्स की, तो भाई एपिसोड 4 और 5 के अंदर एंड में जाके जो बहुत बड़ा बवाल मच गया था इनके बीच में, उसको एकदम फेरी टेल की तरह लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं, और इसी चक्कर में बहुत ज्यादा घाई गड़बड़ हो जाती है, हम इमोशनली डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखो, अभिलाष और संदीप भैया के बीच में वॉर है, लिटरली वॉर है सीरीज के अंदर। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मेरे हिसाब से थोड़े इलॉजिकल लगते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट डाल दिया। और ऐसे कई पॉइंट्स पर, जैसे धैर्य को US में अवार्ड मिलने वाला है तो क्यों मिलने वाला है, उसने क्या इतना बड़ा किया है, कैसे किया है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको हजम करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक पॉइंट पे ओवर ड्रामेटाइज्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जो सीजन 1 में बिल्कुल फील नहीं हुआ था। इसके अलावा मजदूरों का स्ट्राइक जो सेंटर में रख के जो वॉर क्रिएट किया है अविनाश और संदीप भैया के बीच में, वो मुझे थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लगा। अब रीजन बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता आपको स्पॉइलर देना, मैं चाहता हूं कि आप ये सीरीज को देखो, क्योंकि इस बार ये YouTube पर नहीं है, नहीं तो YouTube पे होती तो बहुत ज्यादा एड प्लेसमेंट होता है इसमें। तो एक फ्लो में अगर आप देखोगे तो वो इमोशंस बहुत अच्छे से आपको हिट करेंगे। और अच्छा लगा ये देखकर कि TVF इस बार रिलेशनशिप्स के अंदर अगली हो रहा है, मतलब हर बार परियों की कहानी और फेरी टेल वाली एंडिंग होना जरूरी नहीं है। एंड में जो संदीप भैया का 30 सेकंड का सीन था ना, उसने पूरे TVF UPSC यूनिवर्स को बदल के रख दिया। तो भाई मेरी तरफ से इस सीरीज को 8/10 आराम से। सल्यूट है TVF के मेकर्स को, जो उन्होंने फर्स्ट सीजन का इमोशन सेकंड एस्पायरेंट के अंदर भी कंटिन्यू रखा। गणपत मूवी का अनपेड रिव्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, डिसलाइक जो सही लगे वो कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।